ये कैचेस के ऊपर हमने बड़ी बात की है एंड आपने मिसबा आप बता रहे थे कि बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. हफीज यू वर सेइंग द सेम थिंग यू नो दैट वो है. ये जरा कंपैरिजन करते हैं क्योंकि खुशदिल हैज बीन क्वाइट अ कल्प्रिट इन ड्रॉपिंग कैचेस. लेट्स टेक ये कंपैरिजन वाले कैच. एक तो ये देखें आप पहला कैच. देखिए मैं खुशदिल को नहीं टैग करना चाहता लेकिन मैं ओवरऑल तमाम यंगस्टर जो ये हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनसे बात करना चाहता हूँ जी कि आप एज ए क्रिकेटर अपनी बैटिंग अपनी बॉलिंग पे जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान अपनी फील्डिंग पे दें. कि देखें जब आप कैच छोड़ते हैं किसी भी मैच में तो पूरा मैच बदल जाता है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो जॉर्ज लिंडे है जब उनका हमने कैच देखा तो उनकी पोजीशन उनकी बेस जो मिसबा ने उस दिन बात की कि ही वॉज राइट अंडर द बॉल और उनकी राइट पोजिशन थी टू टेक द बॉल. लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के मोस्ट फील्डर हैं उनके बैलेंस उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहती जिसकी वजह से उनके हाथ में बॉल लग के तो वो उछल जाता है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो बॉल को खींच रही है. राइट. जो जब तक राइट बैलेंस नहीं होगा आपकी लेग्स का एक वेट आपको कंट्रोल करने की ऑप्शन जो आपको होनी चाहिए जब वो आप लूज़ करते हैं तो आप होल्डिंग कर पाते बॉल को. तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द कैचेज जो पाकिस्तानी बैट्स जो फील्डर छोड़ रहे हैं उसमें बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लूज़ बेस की वजह से वो छोड़ रहे हैं. अगर जॉर्ज लिंडे को आप देखें तो उनकी राइट बेस है बेस के साथ उनकी साइड ऑन मोमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप गेट अंडर द बॉल इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आपने कैच पकड़ना है. दूसरा आपकी राइट बेस हो और उसके बाद आपकी जो साइडवेज मोमेंट अगर हो दैट गिव यू अ बेटर चांस टू होल्ड द कैच. तो पाकिस्तानी फील्डर देर इज अ रॉन्ग रीजन लाइक देर इज अ राइट रीजन कि आप लोग जो है राइट या रॉन्ग वट एवर रीजन बट यू आर ड्रॉपिंग टू मैनी कैचेज जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान की जो मैचेस हैं हम वो भी हारते हैं और इसी तरह की जो पीएसएल में अभी तक की परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल है 90% जो हमारे कैचेस इस पीएसएल में अभी तक छूटे हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स 90%